अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद के इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। अभी यहाँ पर इत्तला मिलते ही आली जनाब सदर मोहतरम बैरिस्टर असद साहब से बात हुई, असामी को फौरन रवाना किया और जनाब एमएलए मौदम खान साहब भी ऑफिसरों को बोल के यहाँ पर जो एक काम 36 दया का पाटल इनका काम चल रहा था, यहाँ पर अचानक काम चल रहा था, हम लोग इंस्पेक्शन कर ही रहे थे, मेरे साथ डीएम थे और मैनेजर रमेश सर भी यहीं पर मौजूद थे कि हम इंस्पेक्शन कर रहे थे। बाद उससे जो सो फिर थोड़ा सा और लीकेज जो कि पानी जो सो ओवरफ्लो होगा, पानी खरीद नए नए बोलते 10 फीट पानी ऊपर उछल रहा था, जो मतलब उड़ रहा था, फिर अचानक लाइन बंद करके उसको कंट्रोल करे। अब शाम में आज और कल काम हो जाएगा, एक दो दिन के अंदर काम कंप्लीट हो जाएगा इसका। अब ये 8-10 दिन से मतलब डैमेज था, जिसकी वजह से मतलब ऑलरेडी इसका टेंडर हुआ, काम चालू हुआ, 2 दिन से काम चालू हुआ, काम चल ही रहा था कि बाद उसे थोड़ा और लीकेज हुआ। ये जो सो बॉय स्टॉन का एरिया है, बॉय स्टॉन की बैक साइड का एरिया है। वाटर डिपार्टमेंट का कोई है साहब? अभी मेरे साथ मौजूद है, पूरा काम चल रहा है यहाँ पर, ऑलरेडी चल रहा है, आज रात तमाम चलेगा काम। अभी लाइन बंद करे करके हमने काम कम्प्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, कल तक काम कम्प्लीट है। कल ये लीकेज हुआ सर, इसको कितने दिन तक कम्प्लीट हो जाएगा? नहीं, ये कल तक कम्प्लीट कर देंगे, वो कल तक कल इवनिंग तक कम्प्लीट हो जाता है। 36900 लाइन है ये, ये सप्लाई है जानुमा रिजर्वायर से पूरा जंगम मेट तक जारी है। ये जंगम मेट वगैरह जो है पूरा जारी है, वो रहेगा? नहीं नहीं, ये सप्लाई इवनिंग टाइम रहता है 6 to 9, ये वो डेली 6 to 9 रहता है। अब ये कल मॉर्निंग तक मैक्सिमम हो जाता है। तो सप्लाई कोई रोकेगी नहीं आपको? नहीं, सप्लाई तो अभी तो अब दिए, सप्लाई तो चल रहा था, सडनली बाजू से थोड़ा लीकेज हो गया, पूरा डैमेज हो गया। अभी वो कंट्रोल कर लिए, कंट्रोल में है पूरा, सप्लाई लाइन तो पूरा कंट्रोल है। वर्क तो मेरा नाम रमेश है। आप क्या है सर? मैं मैनेजर हूँ, सेक्शन मैनेजर। नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ ये मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफिज। Joseph.